आखिरकार कैबिनेट विस्तार का इंतजार कर रहे विधायकों का इंतजार खत्म होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में मौजूद हैं। बुधवार शाम को गहलोत ने कांग्रेस आलाकमान के साथ बातचीत की है। उम्मीद है कि अब कैबिनेट विस्तार जल्द ही हो जाएगा। राजस्थान में लंबे वक्त से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी खींचतान चल रही है। पंजाब में सियासी झगड़ा का समाधान निकालने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान पर अपना फोकस किया है। कैबिनेट विस्तार का खाका तैयार करने के लिए सीएम गहलोत ने अपने मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के साथ दिल्ली पहुंचे थे। कल अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के साथ काफी देर तक बातचीत की। इस बैठक में गहलोत के साथ डोटासरा के अलावा अजय माखन, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। मेरा हम चारों लोगों का बड़ा विस्तार से राजस्थान के पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी है और हम लोगों ने बड़े विस्तार से राजस्थान की पॉलिटिकल सिचुएशन की हम लोगों ने चर्चा करी है और रोड मैप आगे का क्या होना चाहिए उसकी चर्चा करी है। किस प्रकार से 2023 में वापस कांग्रेस पार्टी की सरकार बने इसकी हम लोगों ने चर्चा करी है। बाय इलेक्शंस के अंदर कैसे कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया इस चीज के लिए हम लोगों ने आपस में चर्चा करी है और मेरी समझ से हम लोग कंफ्यूजन बहुत सारी चीजों में दूर हुआ है और आगे का रोड मैप आगे का क्लियर हुआ है। सब चीजें अभी एक साथ नहीं आप मेरे से पूछिए, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और हम लोगों ने सिर्फ अभी की ही नहीं, मंत्रिमंडल की अभी की ही नहीं, हम लोगों ने 2023 में हम लोग कैसे वापस चुनाव जीतेंगे हम उन सब चीजों की चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन सर अभी कई लंबे समय से बात थी कि मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी होगा, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कभी भी होंगे, सर उस कभी भी का इंतजार है सर? तो कभी भी आपको इंतजार आपको है, हम सबको है और वो कभी भी हो सकता है जल्दी आए। सीएम कार्यालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत इस बार सिर्फ कैबिनेट का विस्तार करेंगे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुराने किसी भी मंत्री को नहीं हटाया जाएगा, जबकि इससे पहले खबरें आ रही थी कि पुराने मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार काफी समय से अटक रहा है। दूसरी तरफ राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। अटकलें लगाई जा रही कि पंजाब की तरह राजस्थान के सियासी गतिरोध का कांग्रेस हाईकमान समाधान निकालेगी। गौरतलब है कि सचिन पायलट भी बुधवार को यूपी से दिल्ली पहुंचे थे। सचिन पायलट ने दिल्ली पहुंचकर केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कोई रास्ता निकाल सकता है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पंजाब के बाद कांग्रेस हाईकमान अब राजस्थान में हर हाल में पायलट और गहलोत के बीच टकराव को थामने के लिए कोशिश में जुटी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान फिलहाल ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे कोई नेताओं में टकराव दिखाई दे। सोनिया गांधी हर फैसला काफी सोच समझ कर लेती हैं ताकि चुनाव में कोई नुकसान न उठाना पड़े। राहुल गांधी के बंगले पर प्रियंका गांधी की मौजूदगी में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रभारी अजय माखन और सीएम अशोक गहलोत के बीच राजस्थान के सियासी मुद्दों पर लंबी बातचीत हुई। हाल ही में राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद नहीं थे। खबर है कि मंत्रिमंडल में सचिन पायलट के समर्थकों की वापसी होने के संकेत हैं। प्रभारी अजय माखन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। माखन के मुताबिक इस बैठक में 2023 के विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बहुत सी बातों में कन्फ्यूजन दूर हुआ है। अजय माखन के कन्फ्यूजन दूर होने वाले बयान को पायलट कैंप के नेता और मंत्री बनाने और राजनीतिक नियुक्तियों में जगह देने पर सहमति बनाने से जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल गांधी के आवास पर 16 अक्टूबर को भी एक बैठक हुई थी, तब भी बैठक में प्रियंका गांधी मौजूद थी। पिछले साल सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी थी। पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ गुड़गांव के एक होटल में डेरा जमा लिया था। तब 10 अगस्त 2020 में प्रियंका गांधी की ओर से पहल की गई थी इस मामले को सुलझाने के लिए। ऐसा माना जा रहा था कि कुछ दिनों में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा और पायलट खेमों की नाराजगी को भी दूर किया जाएगा।